हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो वो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। आप सभी तो जानते ही है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। और इसमें आप ईपीएफओ के बारे में बता दूं कुछ आपको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट की अगर बात करूं कि टोटल सीट कितना है, तो आपका सीट 323 यानी 323 सीट रहेगा। चलिए देख ले कैटेगरी वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 132 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 87, एससी के लिए 48 एंड एसटी के लिए 24 सीट रखी गई है। अब बात करें कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन आपको मोड से अप्लाई करना है। 7 मार्च से 27 मार्च तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो ज्यादा इंतजार मत करिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब रही बात की फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से मात्र 25 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप एससी एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है या फिर फीमेल है, किसी भी कैटेगरी के फीमेल, तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं कि एग्जाम का जो डेट है ना, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी करिए। और आपका बता दूं कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है, इंडिया के हर एक सिटी में ऑलमोस्ट आपका एग्जाम सेंटर होता है, तो आप जहां भी के रहने वाले हो वहां के नियर बाय सिटी में ही आपका एग्जाम सेंटर देगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। पहले तो ये बता दूं कि किस तिथि से आपकी एज की गणना होगी। 27 मार्च 2024 के अनुसार आपका 18 वर्ष से 30 वर्ष है, मतलब 18 टू 30 इयर्स आपका एज लिमिट रहेगा। साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स के लिए, एससी एसटी को 5 इयर्स के लिए। आई होप कि यहाँ तक के सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर व्हाट इज परसेंटेज, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इलिजिबल रहेंगे। बट इसके साथ एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेनोग्राफर डिक्टेशन का टेस्ट होता है, 10 मिनट का रहेगा, 120 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से अगर आपको आता है तो आप इलिजिबल हो। साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 65 मिनट आपका हिंदी का होगा और 50 मिनट इंग्लिश का होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम, बताया ही कि ऑफलाइन पेपर होगा, उसको क्वालिफाई कर लोगे। देन आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट तो देखा आपने कि क्या होगा स्किल टेस्ट में। आगे आपका क्या होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग अच्छे से डेप्थ में समझ ले कि आपका एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होगा ओएमआर बेस्ड होगा, पेन एंड पेपर पे आपको टिक करना होगा, और उसमें आपका 300 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम रहेगा 2 आवर्स का, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, सो बी अवेयर, जो डाउटफुल जो लगे आपको उसको टिक मत करिएगा। अब चलिए देख ले सब्जेक्ट वाइज क्या सब होने वाला है।
फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य अध्ययन से आपको 75 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से 75 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कंबाइन करके 75 क्वेश्चंस रहेंगे। लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन। सो ओवरऑल 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स। आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे। इसको जब आप क्लियर करेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा। देख लीजिए, स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 10 मिनट का, 120 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक आपका लैंग्वेज रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, हिंदी का 65 मिनट, इंग्लिश का 50 मिनट। दोबारा बताने का मोटो ये होता है कि जैसे ही मैंने ये बताया कि एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा, तो बहुत सारे बच्चे मतलब सोचेंगे कि क्या था, इसलिए मैंने फिर से बता दिया। अब चलिए, जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डीवी होगा, देन मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सैलरी क्या मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैंने शुरू में ही बताया है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑफिशियल आपका मंत्रालय में आपका वैकेंसी रहेगा, आपका जॉब रहेगा। तो आपको क्या सैलरी मिलेगा मैं बता देती हूँ। लेवल 7 की सैलरी होती है। शुरुआत में ही आपको 44,900 मतलब 45,000 से शुरुआत होती है, बाद में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है, अप टू 1,20,000 आपका पर मंथ का सैलरी हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी अलोकेट किया जाएगा, वहां आपको सर्विस देना होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करें। एंड आई होप मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको इसकी रिगार्डिंग बताई है, सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।